वेलकम बैक छोटी आवर क्लासेस अबाउट एनोड रेज। आज हम एनोड रेज के बारे में पढ़ने वाले थे, पहले हम कैथोड रेज के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनकी कुछ कैसे जनरेट होती है, ओरिजिन क्या है इनकी, वो पढ़ेंगे। तो ये इनको क्या, सबसे पहले क्या हुआ कि यूजीन वोल्स्टीन ने 1886 में एक मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि उसने यहाँ कैथोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसकी जगह एक परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड कैथोड लेने के बाद जब उसने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया, प्रेशर रिड्यूस करने के बाद उसने देखा कि यहाँ से एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही है जो इन होल्स के बीच में पास हो रही है, उन्हीं को इसने क्या नाम दिया। पहले उसने इनको कैनल रेज नाम दिया, एनोड रेज नाम दिया, लेकिन बाद में पता चला कि देयर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज रेजिडुअल गैस पार्टिकल्स। ओके, लेट्स पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें क्या लगा हुआ है, एक नॉर्मल कैथोड है लेकिन इसे मॉडिफाई करके यहाँ पे परफोरेट कैथोड लिया हुआ है, या एनोड सेम है, और यहाँ पर ये भी ये वैक्यूम पंप की तरफ ये भी सेम है, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हाई टेंशन वोल्टेज ये भी सेम है, बाकी सब इनकी प्रॉपर्टीज में भी सेम सेम, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, चार्ज मास रेशियो का फर्क है इसमें। तो मैं अब मिटाता हूँ इसको और आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज और वट एवर जो भी होगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेल, इनको हम पॉजिटिव रेल बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एवर आयन, लेफ्ट एवर आयन्स व्हेन कैथोड रेज आर फॉर्म्ड इन द कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद ही बनते हैं आयन्स, उनकी वजह से उनकी बनी होती है। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इनकी ये है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, सेम है जैसे एनोड या कैथोड के बारे में, तो ये भी क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब इससे इससे हमें कैसे पता कैसे चलेगा, हाउ कैन वी नो दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, अगर हम इनकी पाथ में इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन देयर पाथ, देन ए शैडो इज फॉर्म जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमने चीज रखी हुई इनकी रास्ते में कोई चीज रखते हैं, जो पेड़ जो जिसके आसपास एक पार ना हो जाते हो, तो उसको हमें क्या मिलेगा, एक हमें उसका साया मिलेगा, शेडो मिलेगा, उससे ये पता चलता है कि स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट दे आर दे ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन। मान लो कि आपके पास ये एनोड रेज है, यहाँ पे चल रहे हैं, हम इनके बीच में हम क्या रखते हैं, कोई क्रॉस रखते हैं, इफ यू कीप ए क्रॉस इन देयर के, तो इस क्रॉस का पीछे शेडो मिल जाएगा इनके पीछे, बिल्कुल ये शेडो मिल जाएगा इसका, इसका मतलब है इसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे मींस एनोड रेज, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड दे पोजेस मोमेंटम और वेलोसिटी, जो कि हम बोल इसको हम बोलेंगे मोमेंटम अगर होगा इनका तभी जाके ये कैसे प्रूव हो जाता है, वही सेम पेडल व्हील वाली चीज, अगर हम इनके रास्ते में ये आपके पास कैथोड रेज है, बीच में कोई पेडल व्हील रख दो आप, ये एग्जैक्टली उनकी तरह क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, दे विल रोटेट, तो इससे पता चलता है इनका मोमेंटम है, हाई एनर्जी है, ये चल रही है इसी डायरेक्शन में और इसी वजह से ये सीधा टकरा के इसको रोटेट करवा रही है, तो हम कह सकते हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई है और इनके पास एनर्जी है या आपका मोमेंटम है, जिसकी वजह से उस पेडल व्हील को रोटेट, जो बिल्कुल लाइट है, बहुत ही लाइट इसको रोटेट करवाती है। नेक्स्ट डियर चार्ज,
कैथोड एनोड रेज, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज इन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड इन सच ए वे, दे गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट शोज, दैट शोज दे आर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मान लो हमारे पास ये क्या है, एक कैथोड रे चल रही है आपके पास, अगर आप नेगेटिवली चार्ज रख देते हो, नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख देते हो, उसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, अगर पॉजिटिव हो तो उसकी तरफ रिपल हो जाती है, उससे रिपल हो जाती है, इससे ये पता चलता है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। सेम केस विद नेगेटिव फील्ड, और इनका चार्ज कैसा होता है, व्हाट व्हाट अबाउट द चार्ज, चार्ज चार्ज उनका पाया गया है कि चार्ज दे हैव द बेसिक चार्ज इनके पास होता है, होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन इट्स अ होल नंबर मल्टीपल, लेकिन ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस ली हुई है ये उस पर डिपेंड करता है चार्ज कितना आएगा, अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के केस में इतना ही आता है हाइड्रोजन के केस में, लेकिन अगर हम कोई दूसरी गैस लें तो इसका होल नंबर मल्टीपल आएगा, मतलब कि n टाइम्स दिस, n टाइम्स दिस चार्ज। नाउ द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो भी किस पे डिपेंड करता है इन केस में, चार्ज टू मास रेशियो दैट इज E by M, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैथोड रेज एनोड रेज के केस में डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, ना कि कैथोड रेज की तरह को हर हर किसी चीज, हर किसी गैस, हर किसी सॉल्यूशंस के लिए एक जैसा रहता है, लेकिन एनोड रेज के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि इन केस में वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की केस, हाइड्रोजन का केस लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है 9.58 × 10⁴ कूलम्स पर ग्राम, ये हमारे पास वैल्यू आती है यूनिट हाइड्रोजन। नाउ कम टू द टर्न ऑफ मास, इनका मास कितना होता है, इनका मास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको चार्ज भी पता है और चार्ज टू मास रेशियो पता है, तो इससे इनका मास आराम से निकाल सकते हैं। देयर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय